Hello students, our next question is prove that 10 pi by 4 plus half cos inverse a upon b plus 10 pi by 4 minus half cos inverse a upon b equals to 2b upon a. This question appeared in several board examinations. Now beta, see here how to solve this question. For solving this question, we are going to put half cos inverse a upon b equals to theta. हमने बेटा cos inverse a half cos inverse a upon b को theta माना बेटा. तो बेटा हमारे पास cos inverse a upon b क्या बनेगा बेटा, 2 theta बनेगा. और बेटा इससे हमारे पास क्या आएगा, cos 2 theta बराबर आ जाएगा बेटा a upon b के. Consider it as the first equation. नाउ बेटा सी, हमारा क्वेश्चन क्या कन्वर्ट हो गया, क्वेश्चन बन गया 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा. और बेटा हमने इसको थीटा मान रखा है, ये क्या बनेगा 10 पाई बाई फोर माइनस थीटा. बेटा 10 ए प्लस बी और 10 ए माइनस बी क्या आएगा, 10 ए प्लस 10 बी, 10 पाई बाई 4 प्लस 10 थीटा अपॉन 1 माइनस 10 पाई बाई 4 का वैल्यू 1 होता है तो पुट कर रहे हैं यहाँ पे 1 इंटू 10 थीटा. अब बेटा ये आ जाएगा प्लस 10 पाई बाई 4, मतलब 1 हो जाएगा बेटा, अगली स्टेप में कर देंगे 10 पाई बाई 4 माइनस 10 थीटा, 10 ए माइनस बी लग रहा है, अपॉन 1 प्लस 10 पाई बाई 4 1 होता है बेटा, 1 प्लस 10 थीटा. और बेटा अब हम इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो बेटा एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस 10 थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 10 थीटा. और ये 10 पाई बाई 4 1 है तो 1 प्लस 10 थीटा, और 1 प्लस 10 थीटा मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 1 प्लस 10 थीटा का होल स्क्वायर. और ये 1 माइनस 10 थीटा है बेटा, ये भी 1 माइनस 10 थीटा है, अगर ये मल्टीप्लाई होगा बेटा तो आ जाएगा 1 माइनस 10 थीटा का होल स्क्वायर. अब बेटा इसको हम एक्सपेंड कर देंगे तो ऊपर आएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, और नीचे इधर आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा बेटा 1 का प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर थीटा माइनस 10 2 थीटा माइनस 2 10 थीटा. और नीचे बेटा देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा. और बेटा देखो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 2 10 थीटा और माइनस का 2 10 थीटा हमारा कैंसिल हो जाएगा, दो बार 1 आ गया तो 2 आ जाएगा, 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा 2 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा. तो 2 कॉमन निकाल लेते हैं बेटा, क्या बचेगा 2 इंटू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा. और बेटा हम भली भांति जानते हैं कि हम क्या जानते हैं, कॉस 2 थीटा, और कॉस 2 थीटा का वैल्यू क्या होता है बेटा, हम जानते हैं ये होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा. अब बेटा इसकी जगह देखो रेसिप्रोकल लिखा हुआ है 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, तो वैल्यू कितना आ जाएगा 2 अपॉन कॉस 2 थीटा. और बेटा हमने फर्स्ट इक्वेशन में कॉस 2 थीटा का वैल्यू निकाला था, और कॉस 2 थीटा का वैल्यू कितना आया था बेटा, ए अपॉन बी, तो यहाँ पे बेटा वैल्यू आ जाएगा 2 अपॉन कॉस 2 थीटा, उसका वैल्यू ए अपॉन बी है बेटा, तो वैल्यू आ जाएगा ए अपॉन बी, और ये आ गया 2b अपॉन ए. और ये प्रूफ हो गया बेटा. थैंक यू बेटा.